पटना से है। AKTU के खाते से ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक सूरत, एक अहमदाबाद का है। 5 आरोपी यूपी के अलग अलग शहरों से हैं। AKTU के खाते से 120 करोड़ ट्रांसफर किए थे। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है पूरा मामला। अहमदाबाद की ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाए थे 120 करोड़। फर्जी कागजात के आधार पर बैंक में खोला गया था खाता। तो 5 आरोपी यूपी के रहने वाले बताए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर AKTU के खाते से ठगी करने वालों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें, पुलिस ने 7 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक सूरत, एक अहमदाबाद का भी बताया गया। 5 आरोपी यूपी के अलग अलग शहरों से हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बड़ी कामयाबी कह सकते हैं एक तरीके से, यहाँ पर ठगी करने वाले गिरफ्तार हुए हैं, क्या जानकारी है इनको लेकर? हाँ देखिए, बिल्कुल, AKTU के अकाउंट में साइबर ठगी करके 120 करोड़ रुपए निकालने वाले जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी धनराशि जो है वो ट्रांसफर की गई थी और फिलहाल अब जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी साइबर यूनिट की और ये खुलासा करेंगे, लेकिन फिलहाल आरोपी करने वाले में से एक अहमदाबाद का है, एक सूरत का है और 5 उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले थे। 7 लोग थे और इसको बकायदा 120 करोड़ रुपए निकालकर श्री श्रद्धा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाए गए थे और फिलहाल साइबर जो एक्सपर्ट थे उनकी मदद से साइबर जो टीम है उसने भी गिरफ्तारी की। शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारी देने के लिए।